Hello students, welcome to Sharma Academy. After 10th standard, बहुत सारे बच्चों लोगों ने कॉमर्स लिया रहेगा, पर वो कॉमर्स होता क्या है वो आज हम सीखने वाले हैं करके. ओके, देखो आफ्टर 10th स्टैंडर्ड आपके पास ऑप्शन थे आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस. तो बहुत जो बच्चे लोगों ने कॉमर्स लिया है उसके उस टॉपिक के ऊपर मैं आज लेक्चर लेने वाला हूँ करके. पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉमर्स में जाने वाले 70% स्टूडेंट कैसे होते हैं. पहले उनको आर्ट्स करना नहीं रहता, सोचते उसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, और साइंस वो कर नहीं सकते, तो बच्चा क्या उनके पास कॉमर्स, या फ्रेंड सर्कल कॉमर्स ले रहा है तो इसलिए हम कॉमर्स में चले जाते हैं करके. ओके, पर लेकिन जिन्होंने कॉमर्स लिया रहता है तो उनका डिसीजन सही है या गलत? बिल्कुल सही है, बिकॉज साइंस बच्चे लोग ले तो लेते हैं, बाद में साइंस उनकी लेता है. बिकॉज अगर वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तो अगर आपका 100% भरोसा है कि नहीं साइंस ही करना है तो आप साइंस ही लो, या फ्रेंड सर्कल के बोलने पर, किसी और फैमिली सर्कल के ऊपर बोलने के ऊपर आप कोई भी डिसीजन ना ले. आपको क्या करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है. ओके, जो यहाँ पे बताता हूँ आफ्टर 10th स्टैंडर्ड 80% स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉमर्स लेते हैं, क्योंकि कॉमर्स लेते में उसमें बहुत ही बड़ा स्कोप है करके. बहुत बड़ा स्कोप है मतलब जैसे ही आप 11th स्टैंडर्ड में आओगे, 11th 12th क्लियर करोगे, उसके बाद आपके पास बहुत सारे वैरायटी ऑप्शंस रहेंगे. ओके, तो आज तो फिलहाल हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉमर्स के ऊपर. क्या कॉमर्स? तो सर हम कॉमर्स क्यों लेते हैं? कॉमर्स अगर किसी भी जो बच्चे को पूछूंगा, आधे से ज्यादा बच्चे बोलेंगे सर कॉमर्स हम लोग बिजनेस के लिए लेते हैं. किसके लिए लेते हैं हम लोग? बिजनेस के लिए. ओके, तो सर बिजनेस, बिजनेस होता क्या है? पहला तो ये ऑप्शन होता है, बिजनेस होता क्या है? तो कोई बोलेगा सर किसी भी चीज का हम बिजनेस करते हैं, जैसे क्लोथ हो गया तो हम क्लोथ का बिजनेस कर रहे हैं. ओके, चलो मान लिया हम लोग किसका बिजनेस कर रहे हैं, क्लोथ का बिजनेस कर रहे हैं. लेकिन कैसे बिजनेस कैसे करेंगे करके? अगर हम लोग बिजनेस करने के लिए हमने क्या किया, एक दुकान ले लिया, यस है नो, शोरूम, और शोरूम में हम लोग ने पूरे कपड़े ऐसे सजा दिए, है कि नहीं, यस है नो. फिर सजाने के बाद और बाहर से लॉक कर दिया, इसको हम बिजनेस बोलेंगे? नहीं. बिजनेस मतलब क्या? अगर हम किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसका हम क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, मींस लेन देन करेंगे. यस है नो, लेन देन करेंगे. उस लेन देन को क्या बोलते हैं हम लोग कॉमर्स लैंग्वेज में? ट्रांजेक्शन. क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजेक्शन. ओके, मींस कॉमर्स हम लोग क्यों लेते हैं? बिजनेस, बिजनेस के अंदर क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन. तो सर कॉमर्स लेने के बाद जितने भी सारे बच्चे हैं क्या सब बिजनेस ही करेंगे? नहीं, जरूरी नहीं है कि हम कॉमर्स लिए तो हम बिजनेस ही करेंगे. या तो हम बिजनेस करेंगे या हम किसी के बिजनेस के अंडर हम काम करेंगे, सीए बनके, सीएस बनके, एमबीए करके हम लोग कुछ ना कुछ करके हम किसी ना किसी के अंडर काम भी कर सकते हैं या खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं. ओके, तो कॉमर्स का इंपॉर्टेंट क्या है? कॉमर्स हम लोग किसके लिए करते हैं? बिजनेस. बिजनेस में क्या होना चाहिए? ट्रांजेक्शन. ओके सर, ट्रांजेक्शन का मतलब तो समझा कि लेन देन करना है करके, लेकिन ट्रांजेक्शन किस चीज का करते हैं हम लोग? तो ट्रांजेक्शन यहां पे करते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज. किसका बिजनेस कर, किसका ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं यहां पे? गुड्स एंड सर्विसेज. तो सर व्हाट यू मीन बाय गुड्स एंड सर्विसेज? ओके, तो बहुत सारे बच्चे लोग को अगर मैं पूछूंगा सर कि गुड्स का मतलब क्या होता है, तो बच्चे बोलेंगे सर गुड्स, गुड्स मतलब हो गया प्रॉपर्टी, बैग, ऐसे आंसर देंगे आप लोग कि सर गुड्स मतलब हम ऐसा बोलते हैं. लेकिन गुड्स का मीनिंग ये नहीं है. उसके लिए हम अभी एक एग्जांपल देखेंगे. क्या देखेंगे हम लोग? एग्जांपल. एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपको तीन एक्टर के नाम यहाँ पे बताता हूं. यहाँ पे SRK है कि नहीं? सेकेंड SK, मुझे SK सलमान खान. तो SRK कौन था? शाहरुख खान, है कि नहीं? फिर थर्ड कौन सा खान आता है? आमिर खान. ओके, तीन खान के नाम यहां पे बता दिए, शाहरुख खान, सलमान खान एंड आमिर खान. तो सर इससे गुड से क्या रिलेटेड है? तो हम देख रहे वही पढ़ रहे, देखते हैं. चलो अभी पहला किसका एग्जांपल दिया मैंने? शाहरुख खान का. यस है नो. तो एक बात बताओ, शाहरुख खान का एक पिक्चर आया था जो फ्लॉप हुआ था. कौन सा पिक्चर था? फैन. कौन सा पिक्चर? फैन. यस है नो. तो जिसकी वजह से शाहरुख खान ने एक बिजनेस स्टार्ट किया क्लोथ का. किसका बिजनेस स्टार्ट किया? क्लोथ.
तो हम लोगों ने शाहरुख खान से इंटरव्यू में पूछा कि सर व्हाट डू मीन बाय गुड्स, तो शाहरुख खान ने क्या बोला, गुड्स मतलब होता है क्लोथ, क्या होता है क्लोथ। ओके, तो अगर हमको अभी कुछ भी आंसर पूछना रहेगा या कोई भी हमसे पूछेगा व्हाट डू मीन बाय गुड्स, तो हम क्या बोलेंगे, क्लोथ, है कि नहीं। फिर एक और पर्सन है सलमान खान, है कि नहीं, उसका भी एक पिक्चर आया था जो बहुत बड़ा फ्लॉप हुआ था, कौन सा, ट्यूबलाइट, है कि नहीं, जो घर में है तुम्हारे, तो उसका पिक्चर फ्लॉप आया हुआ था जिसकी वजह से उसने बिजनेस स्टार्ट किया बाइक का। किसका बिजनेस स्टार्ट किया, बाइक। तो उसको इंटरव्यू में पूछा गया सर व्हाट डू मीन बाय गुड्स, तो उसने क्या बताया, बाइक। ओके, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट थे वो क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। शाहरुख खान बोलता है कि गुड्स का मतलब होता है क्लोथ, सलमान खान क्या बोलता है, बाइक। तो हम लोग इंटेलिजेंट पर्सन के पास जाते हैं, किसके पास, आमिर खान के पास, जो साल में एक पिक्चर निकालता है करके, है कि नहीं। तो साइड बिजनेस करता है फर्नीचर का, किसका बिजनेस करता है, फर्नीचर। ओके, तो इसको पूछा गया सर व्हाट डू मीन बाय गुड्स, तो आमिर खान बोलता है फर्नीचर। अभी तो हमको कंफ्यूजन कि अगर कोई गुड्स पूछा तो हम क्या बोलेंगे, क्लोथ बोलेंगे या बाइक बोलेंगे या फर्नीचर बोलेंगे, है कि नहीं। तो एक बात बताओ, ये क्या तीनों रॉन्ग बोल रहे हैं? नहीं, शाहरुख खान भी राइट बोल रहा है, सलमान खान भी राइट बोल रहा है, आमिर खान भी राइट बोल रहा है। तो सर ऐसा कैसा, तो गुड्स कुछ भी ऐसा करेंगे, नहीं, गुड्स का मतलब होता है जो पर्सन जिस कॉमोडिटी जिस चीज के साथ डील करता है उससे हम गुड्स कहते हैं। सर ऐसा कैसा, शाहरुख खान क्या बेच रहा है, क्लोथ, तो शाहरुख खान के लिए क्लोथ क्या हो गया, गुड्स हो गया। सलमान खान क्या बेच रहा है, बाइक, तो सलमान खान के लिए बाइक क्या हो गया, गुड्स हो गया। आमिर खान क्या बेच रहा है, फर्नीचर, तो आमिर खान के लिए फर्नीचर क्या हो गया, गुड्स हो गया। अभी एक बात बताओ, आमिर खान के लिए बाइक क्या होगा, बाइक, गुड्स नहीं हो सकता, क्यों, गुड्स किसके लिए है यहाँ पे, सलमान खान के लिए, तो सलमान खान के लिए क्लोथ क्या हो जाएगा, क्लोथ, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि शाहरुख खान बेच रहा है तो शाहरुख खान के लिए क्लोथ क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। अगर मैं अभी मेडिसिन बेच रहा हूं, ओके, मैं फार्मेसी हूं, मैं मेडिसिन बेच रहा हूं, मेडिकल वाला, तो जो मेडिसिन है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। अगर मैं स्टेशनरी या बुक बेच रहा हूं तो ये बुक मेरे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स, और सामने वाले के लिए क्या हो जाएगा, बुक। समझ में आया, मतलब जो पर्सन जिस चीज के साथ डील करता है, जिस कॉमोडिटी के साथ डील करता है, उसे क्या कहते हैं, गुड्स। ओके, तो यहां पे देखो हम लोग क्या, कॉमर्स, कॉमर्स किससे रिलेटेड करता है, बिजनेस, बिजनेस में क्या होना चाहिए, ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का तो मतलब समझो, व्हाट इज द सर्विस, हम लोग ने देखा रहेगा सर्विस क्या होता है, सर्विस हमारे दिमाग में तो सिर्फ डोमिनोज आता है कि नहीं, लेकिन मैं जो प्रैक्टिकल बोलता हूं, तीन सर्विस बताता हूं, जैसे कि टीचर्स। ओके, अभी टीचर आपको पढ़ाता है, कुछ बेचता है क्या, क्या वो कपड़े बेचेगा अपना, नहीं ना, वो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, अपने स्किल देता है, यस या नो, और उसके बदले वो क्या चार्ज करता है, पैसा चार्ज करता है। ये तो पहला मैंने बोला सर्विस का। सेकेंड कौन होता है, लॉयर, है कि नहीं, जज साहब करते रहते हैं कोर्ट में, वो क्या अपना कोट पहनने को देते हैं अपने को, नहीं ना, अपने बिहाफ पे वो क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, है कि नहीं। तो उनको क्या करना पड़ता है, फीस देना पड़ता है। तो हमको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, हमको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस, है कि नहीं। और कौन होता है, डॉक्टर, क्यों सर, डॉक्टर, और डॉक्टर देखो ना, डॉक्टर अगर हाथ भी ऐसा लगाएगा तो 500 रुपया फीस रहता है उसका, सर्विस चार्जेस रहता है कि नहीं। अगर वो मेडिसिन भी नहीं दिया तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर रहते हैं, डायरेक्ट हम सिर्फ चेकअप कराने का उसको फीस पे करते हैं, उसको चार्जेस को हम बोलते हैं सर्विस चार्ज। ओके, तो गुड्स का मतलब आपको समझा कि हम लोग क्या करते हैं, जो पर्सन जिस कमोडिटी के साथ डील करता है उसको हम गुड्स बोलते हैं। सर्विस का मतलब जो ऐसा सर्विस जिसके बदले में क्या चार्ज करे, क्या पैसे चार्ज करे, मनी चार्ज करे, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस। तो सर अभी तो यहां तक तो पता चला कि कॉमर्स के अंदर क्या होता है, बिजनेस, बिजनेस में क्या होता है, ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस, किस चीज का हम ट्रांजेक्शन करते हैं, गुड्स और सर्विस। ओके, तो ट्रांजेक्शन भी दो टाइप के होते हैं, कौन से, एक होता है कैश ट्रांजेक्शन और दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सर कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है, जैसे कि अगर मैं स्टेशनरी वाला हूं, मैंने बुक बेचा और पैसा लिया, तो ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, कैश ट्रांजेक्शन, है कि नहीं। या तो मैं बनिया हूं, मैं सामान बेच रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ, तो उसको कौन सा ट्रांजेक्शन बोलते हैं, कैश ट्रांजेक्शन। मतलब ऑन द स्पॉट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हाथ से गुड्स दे रहे, दूसरे हाथ से पैसा ले रहे। और सेकेंड कौन सा आता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन
अभी अगर हम लोग ने राशन भरा लिया और राशन वाला अपने पहचान वाला है, उसको क्या बोलेंगे, भाई थोड़ा लॉकडाउन खुलने दे, 1 महीने के बाद मैं तुझे पेमेंट करता हूं। लेकिन ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, लेकिन कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ यहाँ पे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, तो देखो कॉमर्स में क्या होता है, बिजनेस, बिजनेस में ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कितने टाइप के? दो, कैश एंड क्रेडिट। लेकिन ट्रांजेक्शन किस चीज का होता है? गुड्स एंड सर्विसेस का। तो सर इसमें भी एक कॉन्सेप्ट आता है क्या? देखो अभी एक होता है मॉनेटरी सिस्टम, दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी सिस्टम। सर मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है? मॉनेटरी सिस्टम जो हम लोग पैसे से लेन देन करते हैं, जिसका वैल्यू हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं? पैसे से। सर ऐसा कैसा? अभी जैसे आप लोग ने कॉमर्स कर रहे हो और बिजनेस कर रहे हो, तो जहां पे पैसे की बात नहीं होगी वहां पे बिजनेस की बात नहीं होगी। हम लोग बिजनेस किसके लिए करें? समाज सेवा करने के लिए, नहीं ना? तो बिजनेस किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए करते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं हम उसको? मॉनेटरी सिस्टम। सर ये मॉनेटरी सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम ऐसा क्यों? क्यों? अगर आप अकाउंट्स हो, एक बिजनेसमैन हो, तो आप एक एक रुपए का हिसाब रखोगे, है कि नहीं? सर ऐसा क्यों? क्योंकि बिजनेस में हम लोग अगर एक एक रुपए का हिसाब नहीं रखेंगे तो हम बिजनेस कैसे करेंगे, है कि नहीं? लेकिन कौन से टर्म में हिसाब रखोगे? या अगर सपोज तुमने 10 चेयर बेचे या 10 बुक बेचे, तो तुम क्या बोलोगे कि हाँ मैंने 10 बुक बेचा। कितने का बेचा वो रिकॉर्ड करोगे ना आप लोग? 10 बुक बेचा वो लिखोगे, सामने पैसे का प्राइस तो देखोगे ना। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग? मॉनेटरी। अगर मैंने 1 बुक 10 रुपए का, तो 10 बुक बेचा तो कितने रुपए का बेचा बुक मैंने? 100 रुपए का। तो मैं 10 बुक और 100 रुपीज लिखूंगा, सिर्फ 10 बुक लिख के छोड़ूंगा नहीं। मतलब हमको बिजनेस में अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो किसका रिकॉर्ड करते हैं? पैसे का रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। ऐसे रिकॉर्ड को हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग? मॉनेटरी सिस्टम। मतलब बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में हम लोग के दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए? पैसा, मनी, कैश। ओके, तो सर दूसरा क्या ऑप्शन है? नॉन मॉनेटरी सिस्टम। कौन सा ऑप्शन है? नॉन मॉनेटरी सिस्टम, जो हम अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं करते। करते या नहीं करते? नहीं करते। तो सर नॉन मॉनेटरी सिस्टम होता क्या है? जो पैसे से लेन देन नहीं होता, इसको नॉन मॉनेटरी सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बार्टर सिस्टम। ओके, तो सर बार्टर सिस्टम क्या होता है? अभी भी हमारे यहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता है। सर ये कैसा कैसा? पहले तो चलता था, पहले तो अपने को पता है, अगर किसी के पास चावल है तो हम उसके, और सामने वाले के पास गेहूं है, तो हम लोग क्या करते थे? एक्सचेंज कर लेते। तो ऐसे को हम क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम, नॉन मॉनेटरी सिस्टम। ओके, या तो किसी के पास पैटेटो है और मेरे पास टोमेटो है, तो हम लोग क्या करते थे? आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बार्टर सिस्टम। ओके, तो अभी कौन सा बार्टर सिस्टम है? अभी पता हमारे इधर ना भांडी वाले आते है कि नहीं? तो भांडी वाले क्या करते? जूने कपड़े लेते और हमको क्या देते? भांडी देते। तो हम वो सब अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या कि हमने 10 पैंट दिए तो 1 भांडी मिला, ऐसा रिकॉर्ड करेंगे? हमने गेहूं दिए तो चावल मिला, ये सब रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, हम लोग बार्टर सिस्टम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। हम लोग कौन से सिस्टम रिकॉर्ड करेंगे? मॉनेटरी सिस्टम। नॉन मॉनेटरी सिस्टम हम लोग अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाले नहीं है। ओके, तो वापस एक रिविजन करते हैं हम लोग। कॉमर्स किसके लिए होता है? बिजनेस। बिजनेस में क्या होना चाहिए? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेस का, कैश या क्रेडिट। कौन से टर्म में होना चाहिए? मॉनेटरी टर्म। कौन सा टर्म? मॉनेटरी टर्म। नॉन मॉनेटरी टर्म हम लोग रिकॉर्ड करते नहीं है। ओके, तो अभी इतना तो समझा हमको। तो सर इसके बाद क्या? अभी एक बात बताओ मुझे, अगर मैं दुकान वाला हूं, ओके, स्टेशनरी वाला, मेरे पास तो बहुत कस्टमर आएंगे, है कि नहीं? दिन में मैंने दिन में कितने को कितना माल बेचा, है कि नहीं? फिर कल बेचूंगा, परसों बेचूंगा, यस नो? बेचते बेचते अगर मैंने 1 महीना निकाल दिया बेचते बेचते, और किसी ने आके मुझे पूछा कि आपसे मैंने ये बुक लेके गया था या पेन लेके गया था और मैंने उसको लिखा ही नहीं है किधर, तो क्या मुझे याद रहेगा वो सब? नहीं ना। मैं मतलब इनडायरेक्टली इतना घुमा के आपको क्या पूछना चाहता हूँ कि अगर हम लोग गुड्स एंड सर्विस सेल आउट कर रहे या परचेज कर रहे, लेन देन कर रहे, तो उसको अच्छे से क्या करके रखना चाहिए? रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। क्या करके रखना चाहिए? रिकॉर्ड। सर ऐसा क्यों? अभी एक बात बताओ, आप ही बताओ, आपको मैं पूछूंगा 1 हफ्ते पहले क्या खाया,
तो आप लोग बता दोगे याद कर करके, 20% स्टूडेंट बता देंगे, ओके। देन मैं बोलूंगा एक महीने बाद पहले क्या खाया, सॉरी पहले क्या खाया, तो भी एक दो बच्चे बोल देंगे। अगर बोलूंगा 6 महीने पहले आप लोगों ने इस तारीख को क्या खाया था, तो आपको याद रहेगा क्या है? नहीं। अगर आपने लिख के रखते तो रिकॉर्ड रखते तो आप बता सकते थे देखकर, है कि नहीं, ओके। तो इसमें यही क्या, लेकिन अकाउंट्स में क्या होता है, हमको डेली जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, हम लेन देन करते हैं, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखकर रखना पड़ेगा। तो प्रॉपर फॉर्मेट मतलब क्या सर? प्रॉपर फॉर्मेट मतलब मीन्स प्रॉपर रूल्स के हिसाब से। मतलब हम चाय वाले तो नहीं है ना कि 10 चाय भेजा और लिख दिया हम लोग ने छोटी सी बुक में 10 चाय इसको भेजा करके, ऐसा नहीं। हमको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीज को कॉमर्स, बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का, हमको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड। ये सब चीज को हम क्या बोलते हैं, हम उस सबको बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? बुक कीपिंग, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना, ओके। तो अभी सर ये बुक कीपिंग जो है ये तुम्हारे FIGC के अकाउंट्स, ओके, उसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो छोटा सा जो तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होता है, उसका एक जस्ट आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है। इस इंट्रोडक्शन से आपको फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा कि हमको अकाउंट्स में क्या करना है, हमको कॉमर्स में और क्या पढ़ना है इन अकाउंट्स, ओके। बहुत सारे बच्चे लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर हम लोग ये रिकॉर्ड क्यों करते हैं? क्योंकि हमको फ्यूचर में ये काम आए करके, ओके। आज मैंने आप लोगों से के साथ अकाउंट्स का, बुक कीपिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के कॉन्सेप्ट सीखेंगे करके, ओके। थैंक यू सो मच।